यश तिवारी हैं और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूं। और जैसा कि मेरे दोस्त मेरी टांग खींचते हुए कहते हैं कि मैं इस फिल्म का घोष डायरेक्टर हूं, फाइन, एनीथिंग टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। भूतनाथ रिटर्न्स एक्चुअली एक जर्नी है, इससे जुड़े काफ़ी दिलचस्प किस्से और कहानियाँ हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को मालूम पड़ेगा। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको अपने बचपन का सुनाना चाहूँगा। जब मैं छोटा था तो मैं मिस्टर बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन था, जैसे कि मोस्ट ऑफ अस हैव बीन। और मैं मिस्टर बच्चन का इतना बड़ा फ़ैन था कि मैंने इनकी पिक्चरें देखना बंद कर दिया था, क्योंकि जितनी भी पिक्चरें मैंने देखी उसमें सब में ये मर जाते थे। तो मैंने दीवार देखी, दीवार में ही डाइड, शोले देखी, ही डाइड, मुकद्दर का सिकंदर देखी, ही डाइड, आई स्टॉप वॉचिंग दिस फिल्म्स। और जब फाइनली मुझे भूतनाथ रिटर्न्स साइन करने का मौका मिला तो मेरे डैड ने मेरी टांग खींचते हुए बोला, आप क्या करोगे? अभी आपको देखते ही मैंने बना लिया यहाँ, इससे पहले था नहीं स्क्रिप्ट में और ऐसे ही हमने सोचा। एक्चुअली फिल्म में एक जगह पर ये कुछ ऐसा मंद-रंद बोलते हैं अपने बच्चों को जो इनके साथी हैं उनको डराने के लिए, और क्योंकि जो ये बोल रहे थे वो उससे मेरा कुछ ज़्यादा गहरा संबंध था इसलिए मैंने उसको बदल दिया। फिल्म में एक्चुअली ये बोलते हैं अग्निपथम अग्निपथम अग्निपथम, मैंने कहा वो थोड़ा सा अपना ही भोपू बनाने वाली बात हो जाएगी, इसलिए उसको भूतनाथम कर दिया। देखा आपको कि ये अभी मैंने बताया था आपको कि इन द प्रीवियस फिल्म ही हैज गॉन टू हेवन, पितृपक्ष हो गया उसका, सो ही हैज गॉन बैक, बट बिकॉज व्हेन ही गोज बैक देयर एवरीबॉडी इज लाफिंग एज यू सॉ इन द सीन, ये सब लोग हंस रहे हैं मुझ पर, एंड दे आर लाफिंग बिकॉज दे आर सेइंग कि यार एक बच्चे को तुम डरा नहीं पाए और तुमने भूतों की नाक काट दी, सो नाउ ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू प्रूव दैट, सो ही इज आस्किंग प्लीज सेंड मी बैक। बट लंबी क्यू है जो नीचे री इनकार्नेट होने चाहते हैं उनकी, तो फाइनली ही कम्स डाउन एंड दैट्स हाउ ही रिएक्ट्स विद हिम, क्योंकि यही एक बच्चा है जो हमें देख सकता है, इसीलिए आपने ट्रेलर में देखा, हमने कहा नॉट अगेन, एक और बच्चा मुझे देख सकता है। वी आर गोइंग टू शूट दैट सॉन्ग इन अ कपल ऑफ डेज, सो वी हैवन्ट स्टार्टेड येट, एंड व्हेन इट्स ओवर वी विल हैव अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी विल कॉल यू अगेन, यू विल अगेन आस्क दिस क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू द आंसर। The only similarity is I think both the films are very the soul is the same of both the films, you know, like the kid happens to be a protagonist, you know, that's the only thing which is kiddie about it, you know, apart from that it's enough for the grown-ups also to take back home, which exactly was the case with Chiller Party also, you know, and Journey has been truly a very rewarding one, to be very honest, you know, I work with lot of kids and almost not so known faces in Chiller Party. Out here, you know, I never felt, you know, that I was really, really dealing with such big names. They, hats off to them for making me really, really comfortable. This is just my second directorial venture, but I was really, 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 really made to feel at home by everybody from my producers to my superstars. मैडम गाना चल पड़ता है तो पिक्चर भी चल पड़ती है, ये भूमिका है एक जो कि हमने डाली हुई है, अगर सही हो गई तो अच्छा है। बहुत मिस कर रहा हूं लेकिन बंकू अब मेरी हाइट के हो गए हैं तो हमें चाहिए था आधे हाइट का आदमी, वो ये है चैंपियन। इनका परिचय मैं आपको देना चाहता हूं, इनका नाम है पार्थ और ये बहुत ही भयंकर आर्टिस्ट है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये मराठी फिल्मों से इनका संबंध रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जिस मराठी फिल्म में इन्होंने काम किया वो मराठी फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गई और वहाँ पर उसको पुरस्कार दिया गया है। सो बिग हैंड फॉर पार्थ एंड हिज वंडरफुल वंडरफुल आर्टिस्ट, आई डोंट नो हाउ ही इज सो नेचुरल, कहां से लाता है तो यार समझ में नहीं आता है, लेकिन है बहुत कमाल का आदमी ये। किल्ला, दैट्स राइट, किल्ला नाम था पिक्चर का। मैं
मतलब मुझे जब लगा था कि मतलब मैं डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत फ्रेंड लिया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। अभी तो ऐसा बोल रहा है क्योंकि मैं बगल में बैठा हूँ, सच सच बोल। कोई डांट नहीं है, मैंने सीखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी एक्टर के लिए। हम लोग जब कहीं जाते हैं, कहीं महफिल में बैठते हैं, सड़क पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे मन के अंदर ना जाने क्यों और किस वजह से घुस जाती है, और वो एक कोई विचित्र बात है जो हमारे दिमाग में रहती है। फिर अचानक एक फिल्म में काम करने को मौका मिलता है सालों बाद, और न जाने क्यों और कैसे वो होता है, लेकिन वो जो चीज़ हमें याद थी या कोई एक चीज़ हमने देखी थी या उसे ऑब्जर्व किया था, वो अचानक बाहर आ जाती है अपने आप। और इसी तरह हम कलाकार करते रहते हैं, अभी भी हम सीख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सीखते रहेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी वर्ष हो गए, अब तो तकरीबन 45 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन हर सदी में या हर 10-15 या 5 सालों में एक नई पीढ़ी आती है कलाकारों की, और उससे बड़ा आनंद आता है मुझे उनके साथ काम करने में, उनके साथ जो कि उनकी जिस तरह से वो काम करते हैं उनसे कुछ सीखने को मिलता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आजकल जो पीढ़ी है वो अद्भुत है, अपनी पहली फिल्म में इतना खूबसूरत काम हम लोग तो कर नहीं पाए और ना अभी तक कर पाए, लेकिन वो लोग एकदम 100% सही होते हैं। तो ये सब तो सीखने को मिलता है हमें, और यही ऑब्जर्वेशन होता है हमारा, उनसे कुछ बातें हम लोग ले लेते हैं, कहीं आप लोग उनसे ले लेते हैं, आप लोग हमारी फिल्म देखते हैं उसका, फिर उसका आप क्रिटिसिज्म करते हैं, बताते हैं कि ये गलत था ये सही था, वो हम लोग सुनते हैं उसको, गहराई से सुनते हैं और लेते हैं उसको अपने मन के अंदर। आती रहती हैं और हम सुनते रहते हैं, फिर अचानक कई ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें भूत दिखाई देता है, या कोई ऐसी कलाकार को देखते हैं जो कि भूतों जैसी हरकत करता है, कभी कभी तो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जब सुपरमैन फिल्म आई तो हम लोग सोचा कि अगर हम लोग को एक चादर पहन लेंगे नीले रंग की तो हम उड़ सकेंगे, तो ऊपर से चड्डी पहन करके नीले एक चादर ओढ़ करके हम भी एक खिड़की के ऊपर खड़े हो गए थे और कूदने वाले थे, पकड़ लिया लोगों ने, तो इस तरह की हमारे ख्वाब आते हुआ करते थे। और कोई ऐसी कहानी तो याद नहीं है, लेकिन बचपन में किसी भी रात को अगर जाकर के अंधेरे में बत्ती ऑन करनी हो तो बड़ा डर लगता था। जी भूत हूँ, कपड़े चेंज करने कहाँ जाऊंगा? तो आपने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया कि भाई चेंज नहीं हो सकता जब? ना बिल्कुल नहीं, ये और ये अच्छी बात है, भूत को कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ से लाया कपड़े, भाई एक कपड़ा है। फिल्म्स इज अ मैसिव इंस्टीट्यूशन, थैंक्स टू मिस्टर बी.आर. चोपड़ा and many other greats that were associated with Birla Films, right from Yash Ji and everyone else, and now Cookie Ravi Chopra. I think that perhaps many do not know, but my association with BR Films started much before Zameer. When I was contemplating coming to the movie industry, I had the opportunity to come and do a screen test, which was organized at a studio, and those details are now well known. And during the 2 days that I was here, on one evening I went along with the people that I was staying with to an evening, a party that was given by B.R. Chopra Saab in his house. I don't know whether it was his apartment, the old house, the apartment which was in near Malabahel, Nipinsi Road. And I remember meeting him and all the other members of the family and having a chat with them. Obviously, it was a great honor for me. And subsequently, when Filmfare Madhuri contest happened, which was the time I applied to become an actor, the forms that I read at that point of time did mention that if you were to pass this test, this competition that they're organizing, then you will get an opportunity to work with these 5 or 6 directors, and one of them was B.R. Chopra. And I was very keen that
I, you know, somehow get selected in this contest so that I get an opportunity to work there. I mean, I was rejected in the preliminaries, and then, of course, I couldn't get there. But every time I was in Mumbai, I always used to try and meet him and, you know, keep telling him I would like to work in your films. And it was a great honor after that to work in Zameer. आपको अगर मौका दिया जाएगा दोबारा इलेक्शन में उतरने का तो क्या आप उतरेंगे? जी बिल्कुल नहीं. मैंने बताया आपको जब मैं आपको फिल्म की भूमिका बता रहा था कि पहली फिल्म में बच्चे से नाता इसलिए पड़ा था क्योंकि कहानी वैसी थी. पितृपक्ष नहीं हुआ था इसलिए वो भूत रह गया था, और जो ग्रैंडसन था उनका पोता था वो जीवित था, वही एक देख सकता था. तो हमने सोचा कि कुछ एक जोड़ होना चाहिए, एक मिलन होना चाहिए जो कि पहले फिल्म से. और जैसा कि आपको ने देखा होगा ट्रेलर में, वो जहाँ जब स्वर्ग जाता है तो उसको लोग हटते हैं क्योंकि वो एक बच्चे को डरा नहीं पाया. उसकी नीचे वजह आने की यही थी कि उसको, अगर तुम 10-12 बच्चों को बचा डरा पाओगे तो हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, इसलिए वो बच्चे के साथ.